यू आर वेलकम इन माई चैनल। और आज हम एक पुष्प का डिसेक्शन करेंगे, फ्लावर का डिसेक्शन करेंगे। और ये फ्लावर है हिबिस्कस रोसा, यानी कि गुड़हल का। इस पुष्प का ये भाग पेडिकल कहलाता है और पेडिकल के ऊपर कैलक्स होता है, छोटे 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 पत्तियां होती हैं जिसमें, और ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहला पार्ट है ये पुंकेसर कहलाता है और ये स्त्रीकेसर कहलाता है। और ये है करोला, जो कि कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। इस करोला को निकालने के बाद हम इसमें आपको एस्टिवेशन बताएंगे कि कौन सा एस्टिवेशन है इसमें। इस करोला को हटाने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि एक करोला के ऊपर दूसरा करोला है, मतलब कि इस पे कोरत छादी, मतलब कि एक छोर को दूसरा छोर ढके हुए होता है। इस प्रकार का इसमें एस्टिवेशन है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें किस तरह का है। अब हम इसके गाइनोशियम, मतलब इसके स्त्रीकेसर पर ध्यान देंगे। इसमें कुल मिला के 5 स्त्रीकेसर होते हैं और असंख्य मात्रा में इसमें पुंकेसर होते हैं। ये हरे रंग का जो पार्ट है ये इसका कैलक्स, या फिर हम सेपल कह सकते हैं इसको। और ये जो छोटी पत्तियों वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट कहलाता है एपिकैलक्स। ये जिस पौधे में होता है, जिस फूल में होता है, उसे ब्रैक्टिएट प्लांट बोलते हैं। इसके कैलक्स को हम चीरने के बाद इसके कैलक्स को निकाल देंगे, जिससे हम इसे के गाइनोशियम को आसानी से देख सकें। इसके कैलक्स को हम इस तरह से निकाल देते हैं और इसके सारे करोला को बाहर निकालते हैं, और हमें तुरंत नज़र आता है ये जो पार्ट है, ये है इसकी ओवरी। और ओवरी के ऊपर आप देख सकते हैं छोटा सा प्रवर्ध निकला हुआ है। इस प्रवर्ध को बोलते हैं स्टाइल। इसे स्टाइल बोलते हैं, ये पार्ट जहाँ से होकर के पॉलन ट्यूब आती है। और नीचे की तरफ मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा। चलिए, अभी तो शायद ये नहीं निकला, लेकिन फिर भी ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट होता है पुंकेसर का। और मैं कोशिश करता हूँ कि शायद ये निकल जाए। चलिए छोड़िए, अभी मैंने बताया कि अभी मैं इसके स्टिग्मा को निकाल रहा हूँ, और इसमें आप देख सकते हो कितने स्टिग्मा हैं, 5 स्टिग्मा होते हैं। एंड देन ये पुंकेसर में एंथर होते हैं, ये सबसे ऊपर के पार्ट जहाँ पे पराग कण संचित होते हैं, ये असंख्य होते हैं गुड़हल में। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये होती है स्टाइल, जिसको स्टाइल बोलते हैं, जहाँ से पॉलन ग्रेन ओबरी तक पहुँचता है। और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हो, यही होता है स्टाइल। ये बीच में टूट गया था निकालते समय, इसको सावधानी से निकालना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाता है। एक बार हम इसे जोड़ करके देखते हैं कि क्या ये ऐसा कुछ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर ये हम डायरेक्टली ऐसे निकालते हैं बिना टूटे हुए, तो कुछ इस तरह से होता है, जिस तरह से अभी आपको ये दिखाई पड़ रहा था। बट ऊपर इसमें गाइनोशियम जुड़ा होता है, तो इसकी पूरी संरचना जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसकी पूरी संरचना कैसी होती है, ऊपर की तरफ जो है ये 5 छोटे छोटे बिंदु हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। और बीच में वाइट कलर की जो लाइन है, वाइट कलर की जो पट्टी है, उसको बोलते हैं स्टाइल। और नीचे ओवरी होती है, जो कि पेडिकल से जुड़ी होती है।